व्हाट्स अप फॉर फैमिली, दिस इज निखिल नौटियाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये है प्रोग्राम एक्टोमॉर्फ स्लैश हार्ट गेनर्स, जिसमें हमारा गोल ये है कि अगर आप लोगों का बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है, अगर आप लोग एक हार्ट गेनर हैं या फिर अगर आप लोग स्किनी गाय हैं, तो कैसे आप लोग एक हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं, कैसे आप अपने मसल्स को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। एंड जैसे कि दोस्तों आज है वेडनेसडे, दैट मींस कि आज हम करने वाले हैं अपना पुल वर्कआउट प्लस कार्डियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारी पहली एक्सरसाइज जो है यहाँ पर वो है बारबेल श्रग्स, जिसके आपने चार सेट परफॉर्म करने हैं फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। जैसे कि दोस्तों आपको ऑलरेडी पता होगा कि बारबेल श्रग्स जो है वो हमारे ट्रेपेजियस मसल्स यानी कि ट्रैप्स मसल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि पुल वर्कआउट को स्टार्ट करने के लिए भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप लोग यहाँ पे दोस्तों सोच रहे हैं कि वार्म अप में आपने क्या करना है, तो आप सेम एक्सरसाइज को एम्प्टी बारबेल से 10 to 15 रेपिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो है आपकी लैट पुल डाउन, जिसके आपने 3 सेट परफॉर्म करने हैं फॉर 8 to 12 रेपिटेशन इन ईच सेट। हर सेट में दोस्तों आपको वेट को इंक्रीज करना है और रेपिटेशंस जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। लैट पुल डाउन दोस्तों आपके लैटिसमस डोर्सी मसल्स यानी कि लैट मसल्स को टारगेट करती है, तो इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मूवमेंट मेरी कितनी स्लो है, और जब मैं एल्बोस के थ्रू वेट को पुल कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने लैट्स मसल्स को कितने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और जब मेरे हाथ ऊपर जा रहे हैं तो मैं कितने अच्छे से अपने लैट्स मसल्स को स्ट्रेच कर रहा हूं। अब तीसरी एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो है हमारी रिवर्स पेग डेक, जिसके आपने 3 सेट परफॉर्म करने हैं फॉर 10 to 12 रेपिटेशन इन ईच सेट। ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि हमारे पोस्टीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करती है, और इसमें जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रिप जो है वो न्यूट्रल ग्रिप रखी है, और इस एक्सरसाइज को भी दोस्तों आपने एकदम स्लो और कंट्रोल फॉर्म में करना है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो है आपकी सिंगल आर्म डंबल रो, जिसके आपने 3 सेट परफॉर्म करने हैं फॉर 10 to 12 रेपिटेशंस फ्रॉम बोथ हैंड्स। हर सेट में दोस्तों आपको वेट को बढ़ाने की कोशिश करनी है, और जब आप वेट बढ़ाएंगे तो आपके जो रेपिटेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। पहले 1 से 2 सेट में आप 12 रेपिटेशन दोनों हाथों से लगा सकते हैं, उसके बाद या फिर आप ये कर सकते हैं कि पहले सेट में 12 रेपिटेशंस फ्रॉम बोथ हैंड्स, उसके बाद 11 रेपिटेशंस फ्रॉम बोथ हैंड्स, एंड उसके बाद लास्ट सेट में आप 10 रेपिटेशंस फ्रॉम बोथ हैंड लगा सकते हैं, लेकिन वेट आपने हर सेट में इंक्रीज करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों आपकी बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन, जिसके आपने 3 सेट परफॉर्म करने हैं फॉर 10 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन भी दोस्तों आपके लैटिसमस डोर्सी मसल्स को टारगेट करती है, प्लस इसमें थोड़े से आपके रोम्बॉइड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, और हल्के से लोअर ट्रेपेजियस मसल्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं इस एक्सरसाइज को कितने स्लो और कंट्रोल्ड फॉर्म में परफॉर्म कर रहा हूं, तो दैट मींस कि इससे आप समझ गए होंगे कि ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। तो जितना स्लो और कंट्रोल फॉर्म में आपकी मूवमेंट होगी, उतने ही मैक्सिमम बेनिफिट्स प्लस इंजरी फ्री आप अपनी एक्सरसाइजेस को आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने बाइसेप्स वर्कआउट की ओर। तो बाइसेप्स में जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है बारबेल बाइसेप्स कर्ल्स, जिसके आपने 3 सेट परफॉर्म करने हैं फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में दोस्तों आपको वेट को बढ़ाने की कोशिश करनी है, और जैसे ही आप वेट को बढ़ाएंगे आपके जो रेपिटेशंस है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। पहले सेट में दोस्तों आपने एक पर्टिकुलर वेट से 12 रेपिटेशन लगाने हैं, फिर उसके अगले सेट में आपने वेट को बढ़ाना है, 10 रेपिटेशंस लगाने हैं, उसके बाद अगेन आपने वेट को इंक्रीज करना है और उससे 8 रेपिटेशंस लगाने हैं। इस एक्सरसाइज को करने से दोस्तों आप अपने ब्रैकियालिस ब्रैकियोरेडियालिस एंड बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल्स को तीनों को टारगेट करते हैं अपने बाइसेप्स मसल्स में। अब लास्ट एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो है हमारे यहाँ पर बाइसेप हैमर कर्ल्स, जिसके आपने अगेन 3 सेट परफॉर्म करने हैं फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। बाइसेप हैमर कर्ल्स भी दोस्तों आपके बाइसेप्स के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि एक ही टाइम पे आपके तीनों मसल्स को टारगेट करती है, जो कि है ब्रैकियालिस ब्रैकियोरेडियालिस एंड बाइसेप्स ब्रैकियाई। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं अपना PR हिट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेक श्योर जिस तरीके से दोस्तों मैंने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है आप उस तरीके से परफॉर्म ना करें। आप एक ही जगह अपनी एल्बोज को फिक्स रख कर सिर्फ और सिर्फ वेट को अपने बाइसेप्स के थ्रू ही पुल करें, और स्लो और कंट्रोल फॉर्म में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें।
सो दैट वॉज माई पुल वर्कआउट फॉर टुडे गाइज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें. और इसी के साथ दोस्तों अब जो हमारा 6 डे फ्रीक्वेंसी का वर्कआउट रूटीन है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है. अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपने थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को क्या वर्कआउट करना है तो उसमें आप दोस्तों 3 डे फ्रीक्वेंसी, 4 डे फ्रीक्वेंसी और 5 डे फ्रीक्वेंसी में जो मैंने वर्कआउट शेयर किया है आप उसी वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने दोस्तों मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो वर्कआउट शेयर किया है वो बेसिकली एक वेरिएशन के लिए है. तो आप चाहे तो दोबारा 6 डे फ्रीक्वेंसी के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को रिपीट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप 3 डे फ्रीक्वेंसी वाले वर्कआउट को भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. जो चॉइस है दोस्तों वो आप लोगों के लिए है. मैंने बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेरिएशन के लिए एक नया वर्कआउट शेड्यूल आपको दे दिया था. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो आई होप दोस्तों आपको ये जो कंप्लीट प्रोग्राम है फॉर ectomorph/heart gainers ये पसंद आया होगा. और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप इस वर्कआउट प्रोग्राम को एटलीस्ट 1 से 2 महीने फॉलो करके देखिए. तो इस प्रोग्राम को फॉलो करने से पहले आप अपनी एक पिक्चर लीजिए. जो मैंने आपसे फुल डे डाइट शेयर करी है उसे फॉलो करिए. जो मैंने आपको वर्कआउट दिया है आप उसे ट्राई करिए. और 1-1.5 महीने, 2 महीने बाद दोस्तों आप दोबारा से अपनी पिक्चर ज़रूर लीजिए. तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ दोस्तों आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे. बस मेक श्योर आप अपने 100% डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रोग्राम को दिल लगाकर, मन लगाकर फॉलो करें. और मैं ये भी चाहता हूँ दोस्तों कि आप उन फोटोज़ को बाद में मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं भी आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर सकूं अपने सोशल मीडियाज़ पे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. ऑलराइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे हेल्दी गाइज़.